रेंज रिमेन्स सेम जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है एट एन एंगल ऑफ थीटा या 90 माइनस थीटा। अब ये क्या रूल हुआ, चेक करते हैं। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो रेंज का फॉर्मूला बोलो, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हमने ड्राइव किया। अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल को थीटा की जगह, जैसे पहले केस में मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये क्या बनी इसकी रेंज। दूसरे केस में वो कह रहा है कि मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो कह रहा है रेंज की वैल्यू फिर से क्या आएगी, सेम। ऐसा क्यों, पहले केस में अगर एंगल थीटा है तो रेंज है, दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो रिप्लेस कर दो इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो रिप्लेसमेंट की, तो यहां पर 2 इंटू 90 इज 180 माइनस 2 थीटा। आपको याद होगा हमने वेक्टर में क्वाड्रेंट्स किए थे, क्वाड्रेंट्स में हमने क्या किया था कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 की लाइन है, कौन सा, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन पॉजिटिव आएगा, 180 तो साइन साइन रहेगा 2 थीटा, तो या फिर फॉर्मूला भी लिखवाया था साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, तो रेंज की वैल्यू सेम आएगी अगर आप प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंके या आप प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा पे फेंके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अब जैसे क्वेश्चन में आएगा कि सपोज करो एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो रेंज इज आर, मैं उसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस 30 इज 60 पे प्रोजेक्ट करूंगा तो भी रेंज क्या आएगी, आर। तो 30 या 90 माइनस 30 रेंज विल रिमेन सेम। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है।